जय मेरा रुसना मेरा रुसना कलंगियां वाला जगता में सारा रुस जय मेरा रुसना चोरी ठगी वंदे शरद दयाल तू जुड़ जाह आके गुरु चरना देना है तू जे मेरा मन जावे जे मेरा मन जावे प्रीतम प्यारा जग पावे सारा रुसा जग पावे सारा रुस जय मेरा रुस तेरे नाल दा दिलां विच बस रब तेरे तीर्था ते पालदा साथ भी तू तो कर ले इलाज अपने खुद जह दिल का सले जाके मल ले तू गुआ मेरा रुसना कलंगियां हवा जग पावे सारा रुस जहे मेरा रुसना मौड़ा का ख्याल रंदा का मेरा रुसना सारे बुलाए सज्जना जिन्हां ने स्टेज तो टाइम लेना बेनती है केंद्र सरकार मुर्दाबाद डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो समुची किसानी का समुचा कर्जा खत्म करो अणप मंगिया मना लागू करो 29 मार्च दियां मंगियां मंगा लागू करो किसानां दी पेंशन लागू करो कि आपां 29 मार्च 2018 नूं आपां नूं सरकार ने एक लंबी जदोजहद तो बाद एक बड़े अंदोलन तो बाद अन्ना हजारे जी ते तुसी सारे रामलीला ग्राउंड दे विच बैठे सो तो उस वेले सरकार ने लिख के दिता सी कि असी तुहाडियां सारियां मंगां 3 महीनियां दे विच लागू कर देंगे। मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला सूबा प्रधान भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर ते नाल दी नाल जिहड़ा राष्ट्रीय किसान महासंघ 182 किसान संगठनां दा बनिया होया है उन्हां दी मैं कोर कमेटी दा मैंबर। साहब बताइए आप क्या मांगे हैं आप यहाँ बैठे हैं चंडीगढ़। देखिए जो हमारी मांगे हैं किसानों की खास करके मांगे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हैं भाव मतलब C2+50 के अनुसार किसानों को फसलों का भाव। दूसरी हमारी मांग ये है कि किसानों को एक बार ऋण मुक्त किया जाए। क्यों मांग रहे हैं ऋण मुक्त? क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो रिपोर्ट है वो 2006 में आ गई थी। अगर 2007 में डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू हो जाती तो एक भी किसान आज पंजाब में नहीं पूरे भारत में कर्जाई नहीं रहता। सब किसान अपने आप सक्षम होते और वो कर्जे की वजह है वो रिपोर्ट ना लागू करना। इसलिए हमारी मांग है कि वो किसानों का एक बार कर्ज मुक्त किया जाए ताकि किसानों को इमीडिएटली राहत मिले और जो किसान साढ़े देश का सुसाइड कर रहे हैं अन्नदाता सुसाइड कर रहे हैं वो सुसाइड करने से रुके। कितने दिन के लिए बैठे हैं आप? किस तरह का आपका प्रोटेस्ट है ये? हमारा प्रोटेस्ट देखिए पूरे देश में हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरह की जैसे आप कह रहे हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट है वो हमने मरण व्रत पर बैठे हैं क्योंकि हम मान चुके हैं कि हमें यहाँ चंडीगढ़ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रैली ग्राउंड तय किया हुआ है वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर जाइए यहाँ मत बैठिए चंडीगढ़ में घुसने की हमें इजाज़त नहीं दिल्ली में घुसने की हमें इजाज़त नहीं। तो हमारे लिए सड़क पर बैठते हैं तो वहाँ भी कुछ किसानों पर कानून लागू हो जाता है मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे हालात में किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्हें मजबूरन अनशन जैसे आंदोलन करने पड़ रहे हैं और अमरन अनशन है। अनशन का भी अंतर है एक अंतर होता है अनशन होता है बैठ के अनशन होता है वो नहीं है अमरन अनशन पर है। अन्ना हजारे जी हमारे साथ जो हम अपनी मांगों को लेकर पिछले साल 2018 में आंदोलन करने जा रहे थे दिल्ली में तब उन्हीं ही डेटों में अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में और वहाँ पर हमारा एक साथ आंदोलन चला और वहाँ पर भी हम और अन्ना जी अनशन पर बैठे थे और 21 मार्च से लेकर 29 मार्च तक हमारा अनशन चला और वहाँ सरकार ने हमें लिख कर दिया है कि आपकी डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के अनुसार फसल का भाव देंगे और ऋण मुक्त की बात कही
यहाँ तक कहा गया कि 55 साल का जो किसान है उसे 5,000 रुपया हम पेंशन भी देंगे। और लोकपाल की जो बात कही जाती है, लोकपाल के बारे में कहा कि तुरंत हम लागू करेंगे इसको, इसकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। इसीलिए वही उसी तरह का आंदोलन फिर से राष्ट्रीय किसान महासंघ और अन्ना हजारे जी ने इकट्ठा संयुक्त रूप में ये आंदोलन शुरू किया हुआ है, और वो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अन्ना जी वहाँ पर बैठे हुए हैं रालीगंज सिद्धी में, और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में साथी बैठे हैं, हमारे राजस्थान में सॉरी हरियाणा में अभिमन्यु कुहार जी बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में हमारे वो साथी बैठे हैं कुछ भक्त सिंह जी हो रहे, इधर हमारे जे के पटेल जी बैठे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में हमारे साथी बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाए, अगली नीति क्या होगी? आप देखिए, हमारा ये तय है कि हम शहीद होंगे, मरेंगे यहाँ पे अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती। तो पीछे की लाइन तैयार है, हम मर जाएंगे तो हमारा आगे का जो साथी है वो अनशन पर बैठ जाएगा। आंदोलन उतनी देर तक जारी रहेगा जितनी देर तक किसानों की मांगे परवान है। आपने जल्दी अन्न छोड़ा हुआ है? हाँ, मैंने पहले अन्न छोड़ा था, आज जो यहाँ के प्रशासन की ये गतिविधियाँ, जो यहाँ के जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, ये हमारे आदमियों को हमारा डेप्यूटेशन बुलाया उन्होंने वहाँ पर, और उन्हें कहा गया कि आप ये मतलब ग्राउंड खाली कीजिए, तो उसके मामले में हमें मतलब मजबूरन, क्योंकि हमारा ये राइट है आंदोलन करने का, वो भी हमारे से छीना जा रहा है, तो उसके लिए तो बेहतर यही है कि हम मर जाएं। इसलिए अभी हम जल भी नहीं लेंगे, और उतनी देर तक जल नहीं लेंगे जब तक राजस्थान के आप सॉरी हमारी चंडीगढ़ का प्रशासन हमें ये अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ बैठ कर। मैं उन्हें जब ना लिख लाँ तो उदू बाद प्रोग्राम शुरू करा।